श्री रामचरित मानस से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित टिप्पणी पर समाज के विभिन्न वर्गों की राय। प्रियंक जी, भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक ढांचा है, उसको हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने बहुत मेहनत करके समाज को चलाने के लिए तैयार किया है। और रामचरित मानस से पहले भी सनातन धर्म हिंदुस्तान में जिंदा है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था देखेंगे तो सनातनी तमाम प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमको, और उन सभी बातों का सूक्ष्मावलोकन गहनावलोकन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को करना चाहिए। रामचरित मानस को लेकर के लोग विवाद पैदा किए हैं, जैसे कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगता है पूरी रामायण का अध्ययन नहीं किए हैं, क्योंकि अगर किए होते तो तुलसीदास ने कुछ अपने मन से नहीं लिखा है, वो तो सभी की कही हुई बातों को लिपिबद्ध किया है। जैसे समुद्र ने क्या कहा है, राम ने क्या कहा है, केवट ने क्या कहा है, सबरी ने क्या कहा है, तुलसीदास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। उसके तथ्य में अगर स्वामी प्रसाद गए होते तो शायद ऐसा न बोल। चरित मानस पर टिप्पणी करके मौर्य जी खुद ही फंस गए हैं, वो राम के नहीं हुए तो आम जनता की क्या हो। चरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी प्रकार की इस अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का विषय है और उन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इस पर उनको माफी मांगनी चाहिए।